वही बात जींद की, तो साइकिल पर 1300 से ज्यादा किलोमीटर सफर तय करके पंजाब रेजिमेंट के आर्मी के जवान पहुंचे हैं। जींद लेफ्टिनेंट आयुष सरण के नेतृत्व में 10 सदस्यीय दल पहुंचा है जींद। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, पंपोर में शहीद हुए शौर्य चक्र विजेता जींद के कैप्टन पवन खटकड़ के परिजनों से मिले हैं। झारखंड से चला था ये जत्था और आर्मी ने शुरू किया है देशव्यापी कैंपेन, यानी कि 27 सितंबर को शुरू हुआ था ये व्यापी कैंपेन, 27 अक्टूबर को दिल्ली में पैदल सेना दिवस पर होगा समापन। तो आर्मी चीफ विपिन रावत करेंगे इसका समापन, 27 अक्टूबर को दिल्ली में पैदल जाकर पहुंचेंगे और इसका समापन दिल्ली में किया जाएगा। रेजिमेंट आर्मी के जवान अब जींद पहुंच गए हैं। लेफ्टिनेंट आयुष के नेतृत्व में 10 सदस्यीय दल पहुंचा है जींद। शहीद पवन खटकड़ के परिजनों से मुलाकात की है। साइकिल पर 1300 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके ये यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि इसके समापन की अगर बात की जाए तो दिल्ली में किया जाएगा। झारखंड से ये जत्था चला था और 27 सितंबर को शुरू हुआ था देशव्यापी कैंपेन, जिसके तहत ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, भारतीय सेना वास्तव में गौरवशाली है और जिस प्रकार जो इनका इतिहास रहा है वो हमें एक गर्व महसूस करवाता है। और फिलहाल की अगर बात करें तो एक नया अभियान, नई कैंपेन शुरुआत की है। इन्फेंट्री जो रेजिमेंट होती है, जो पैदल सेना होती है भारतीय सेना की, वो एक विंग है। उन्होंने झारखंड से ये इसकी यात्रा की शुरुआत की। लगभग 1300 मीटर की दूरी साइकिलों पर तय करके जो पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं, ये इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट आयुष सारण, उनके नेतृत्व में 10 सदस्यों का दल जींद पहुंचा है। और पंपोर में जो शहीद हुए थे, शहीद कैप्टन पवन खटकड़, उनके घर पहुंचे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात की है और काफी वक्त उनके साथ बिताया है। एक परिवार का माहौल देने की कोशिश की गई है कि हम भी जो है इसी परिवार का हिस्सा है। पूरी आर्मी, चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे वो शहीद हुए हैं, चाहे वो फिलहाल काम कर रहे हैं, पूरे देश में एक पूरा परिवार है। इस तरह का एक मैसेज और यही मोटो कि पूरी आर्मी एक परिवार है, ये मोटो लेकर ये कैंपेन 27 सितंबर से झारखंड से शुरू किया गया था। और फिलहाल देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जो रेजिमेंट है इन्फेंट्री, ये अलग अलग हिस्सों में जाएगी और जो परिवार है, परिजन है शहीदों के जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया, उनसे मुलाकात करेगी। और 27 अक्टूबर को जो थल सेना के अध्यक्ष हैं विपिन रावत, इसका समापन करेंगे, फ्लैग इन करेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और एक संदेश दिया जाएगा कि आर्मी एक थी, एक है और एक रहेगी, हमारा एक परिवार है और ये इस परिवार की एकजुटता ही है कि हम सब मिलकर एक रहेंगे। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विजेंद्र।